morning, everyone. हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है, मैंने विश कर दिया तो आज है छठ पूजा। वैसे छठ पूजा पिछले 2 दिन से चल रही है, क्योंकि बिहार में वहां पे 3 दिन होती है पूजा, बट हमारे साइड दो दिन होती है। मीन्स दो टाइम, एक टाइम सूरज ढलते हुए, एक टाइम सूरज निकलते हुए। सो आज है फर्स्ट डे और आज से तैयारियां शुरू हो गई हैं। तैयारी तो कल से थी, शॉपिंग वगैरह वो हो गई हैं, आज साफ सफाई वगैरह होगी। अब दोपहर से जो चीज़ें पूजा में जरूरी होती हैं वो सब बननी है, रेडी होनी है, और हम भी रेडी होंगे। और मुझे लग रहा है जो जो मेरा ब्लॉग देख रहा होगा उनका फेवरेट एक ना एक जो स्वीट है उसमें वो भी आज बनना है। दैट्स कॉल्ड ठेकुआ। कुछ जगह पे वो खस्ता कहा जाता है, कुछ जगह पे आई डोंट नो मीठी पूरी समथिंग लाइक दैट। तो वो भी बनना है। कमेंट में बताना किसका किसका फेवरेट है वो। और कुछ नहीं, बस यही कहूंगी, अगर पूरी एक्टिविटीज एंड तक देखनी है, पूरी एक्टिविटीज देखनी है आपको, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में नहाने ब्रश करने के बाद। ओके एंड हाँ, एक बात और प्लीज। आई नो आई एम लुकिंग टू प्रिटी राइट नाउ। कोई ना, तो ये मेरा पहला छठ पूजा है जो गांव में सेलिब्रेट कर रहे हैं। मम्मी ने किया था अराउंड 25 ईयर्स, हाँ कुछ ऐसे ही। तो 20-25 साल बाद मम्मी फिर से छठ करने जा रही है यहाँ पे, और मेरा तो फर्स्ट है यहाँ का। भी देखते हैं कैसा होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं, सामान वगैरह, इट्स अराउंड 12 o'clock। और कुछ नहीं, हम लंच कर ले अब करेंगे हमारा, और कुछ है नहीं खास बताने को। ओके, मैं कुछ रोज यहाँ पे जो कुछ तैयारियां हुई हैं थोड़ी बहुत। वो रहा घाट हमारा, प्रिपरेशन हो गई, थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी हो गई है। आई एम कैप्चरिंग दिस व्यू फ्रॉम माई बैकयार्ड, मीन्स घर के पीछे से, जिसे हमारे साइड कहते हैं पिछवाड़ा। ओके, तो यहाँ से आप व्यू देख सकते हो जहाँ पे छठ पूजा होगी आज। थोड़ा बहुत डेकोरेशन, हाँ थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। नहीं, तो जैसे कि अब आप यहाँ पे देख रहे हो, हम घाट पे आ गए हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी स्टार्टिंग में एडिट मतलब ऐड नहीं कर पाई, इसलिए क्योंकि मुझे सामान लेके आना था और हाँ दोनों बिजी थे, तो कैप्चर कर पाना इतना इजी नहीं था। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश की है, लाइक मम्मी जैसा कि आप देख रहे हो थोड़े पूजा वूजा के में बिजी हैं, फूल वूल चढ़ाने में, एंड बाकी भी घर के लोग और भी लेडीज़। पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक बहुत तेज़ था, तो जिसकी वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा। एंड माहौल आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा है। तो जैसे कि आपने देखा, लेडीज़ पूजा में बिजी हैं, बच्चे पटाखे जलाने में, एंड जेंट्स से देखने में। तो यही था माहौल। फिर मुझे यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो दिया जलाने को मिली, जो कि पानी में दबानी थी जाके, तो मैंने वो भी किया। ऑल्दो हम जब ये लखनऊ में सेलिब्रेट करते थे तो हम लोग की लड़ाई जाती थी, हम जाएंगे हम जाएंगे, बट इस बार तो मैं ही की, तो ठीक है, अच्छी बात है। और फर्स्ट डे तो ऐसा हुआ कि चला गया वो पानी, सेकेंड टाइम तो ऐसा हुआ कि भाई वो जाते ही पानी में डूब गया। ग्रेट एक्सपीरियंस। काफ़ी देर तक पूजा होने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हो, शाम हो गई थी, अराउंड 5:30 से ऊपर हो गया था टाइम, अंधेरा हो गया था। अब हमारा टाइम था वापस जाने का, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर आना था। सूरज ढल चुका था
अब नेक्स्ट डे हमें सूरज उगते हुए पूजा करनी थी, तो ये टाइम था हमारा जाने का। हमने अपने सारे सामान उठाए, आई मीन हमने क्या, सभी ने वहाँ पे अपने अपने जो भी उन्होंने प्रसाद वगैरह वहाँ रखा था और दिया वगैरह वो सब उन्होंने उठाया वापस से। और फिर सब लोग अपने अपने घर आ गए। जैसे कि आप देख रहे हो, हम अपने घर आ गए और यहाँ पे चल रही एक और पूजा जो कि है कोसी भरने वाली, क्योंकि हमारे शादी हुई थी तो ये मतलब होता है, लाइक कुछ भी अच्छा होता है या कुछ नया होता है तो कोसी भरी जाती है, तो वही इसीलिए था, जिसमें 5 लेडीज आती हैं, गाना गाती हैं। और इसी तरीके से ये कोसी भरने वाला भी जो पूजा था वो ख़त्म हुआ, और फर्स्ट डे ख़त्म।